गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज 4.6। तो देखिए क्या कहता है आपको। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, आपको बताना है ए पार्ट में द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है बेटा? ये रहा ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, लिख देते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। जीरो नहीं है बेटा, ये ओ है। इसको आप अगर और सिग्निफिकेंट तरीके से लिखना चाहते हैं तो पॉइंट ओ लिख सकते हैं। और रेडियाई, रेडियाई क्या होती है बेटा? सेंटर पॉइंट से आप सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई भी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइन सेगमेंट, ये आपकी रेडियस होती है। ठीक है जी, सेंटर से ये इसकी बाउंड्री को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस पर कहीं भी आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, उसे रेडियस बोलते हैं जी। ठीक है जी, तो आपसे पूछ रहे हैं डायग्राम में से आपको थ्री रेडियस बताने हैं। तो मैं थ्री दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, एक तो ये है OC, ठीक है जी। दूसरा आपके पास OB और तीसरा है OA। लिख देते हैं इन्हें, देखिए हो जाएगा आपके पास OC, OA, OB। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बेटा? आप सर्कमफेरेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, सर्कमफेरेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, उसे आप डायमीटर कहते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है, एक जैसे जैसे ई और डी है, ये भी तो दो पॉइंट सर्कमफेरेंस पर है ई और डी, क्या इसे भी डायमीटर कहेंगे? नहीं कहेंगे। रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों सर? अभी तो आपने कहा था, इसके पीछे रीजन है बेटा। जो ये ए सी है ना, ये ए सी, ये ए सी बेटा सेंटर से पास होके जाते हैं। ए सी कहां से कहां तक जा रही है? सेंटर से पास होके जाती है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया कोड क्या होती है। सर्कमफेरेंस पर किसी भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, वो जाती है कोड। तो ए सी कोड है, नो प्रॉब्लम। ए सी इज ऑल्सो अ कोड, क्योंकि सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को वो ज्वाइन कर रही है। लेकिन अगर जब वो हम ड्रॉ कर रहे हैं कोड को, अगर वो कोड सेंटर से पास होकर जाती है, अगर वो कोड सेंटर से पास होकर जाती है, तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो यहां पर डायमीटर क्या हो जाएगा? ए सी, ये ए सी लिख देते हैं। अब कोड, कोड देखो ए सी भी है और ई डी भी है। ए सी यूज कर चुके हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक पूछिए आपसे तो हम ई डी लिख देते हैं ताकि उसका भी यूज हो जाए। ए सी भी बेटा इसका आंसर गलत नहीं है। टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, भाई इसकी बाउंड्री के अंदर कोई दो पॉइंट बताने, ओ और पी साफ साफ नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। देंगे पॉइंट ओ और पी, ठीक है। अ पॉइंट इन एक्सटीरियर, इस बाउंड्री से बाहर, ये देखिए क्या वो पॉइंट है, लिख दीजिए। फिर कहता है सेक्टर, सेक्टर क्या होता है बेटा? दो रेडियसेस, दो रेडियसेस और ये सर्कमफेरेंस, इनके बीच का जो ये एरिया है, ये सेक्टर होता है बेटा। तो क्या लिखेंगे सेक्टर आप? ओ ए बी, ठीक है जी, ओ ए बी आप समझ गए होंगे। अब सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट किसे कहते हैं? किसी कोड के द्वारा, ये कोड है ना, इस कोड और सर्कमफेरेंस से बनाया गया ये एरिया, ये सेगमेंट होता है। सेक्टर बनता है रेडियस, दो रेडियस के बीच का ये एरिया इधर, और सेगमेंट बनती है बेटा कोड और सर्कमफेरेंस के, इस एरिया को कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि तो सिर्फ ईडी लिखेंगे तो हम ये इतना हो जाता है, लाइन सेगमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। यहां एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ईपीडी। ये ईपीडी क्या हो जाएगा? ये एरिया, ये सेगमेंट है बेटा। चलिए पॉइंट पी को मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, पॉइंट पी ऑलरेडी है बेटा, पी को नहीं लिखेंगे,
पी पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है ना, कोई और पॉइंट ले लो, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ लिख लेते हैं हम, एम लिख लेते हैं, ई एम डी, ठीक है जी। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, अब पूछ रहा है इस एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोर्ड। अब मैंने कोर्ड का क्या समझाया था बेटा आपको, कोर्ड क्या होती है यहां समझ लो, मैंने क्या समझाया था बेटा कोर्ड क्या होती है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देना सर्कमफेरेंस पर, जैसे ए और बी को ज्वाइन कर दिया तो ये कोर्ड हो जाती है। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो होता है जी जो सेंटर से पास होकर जाए, जो सेंटर से पास होकर जाए। तो देखो जो ये डायमीटर है मैंने जैसे बनाया पी क्यू आर एस, ये सेंटर से पास होकर जा रहे हैं और ये सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट को ज्वाइन करने से ही बने हैं, तो हर डायमीटर कोर्ड होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। क्या पूछा गया आपसे, इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो ए कोर्ड, आप लिखेंगे यस। इज एवरी कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो डायमीटर, अब उसने रिवर्स कह दिया कि मान लो यहां कोई सर्कल है, कोर्ड तो बेटा देखो कोर्ड तो ये भी है, कोर्ड तो ये भी है, क्या हर कोर्ड को डायमीटर कहेंगे भाई, कैसे कह सकते हैं। डायमीटर तो होता है जो सेंटर से पास होकर जाती है जो कोर्ड, इसलिए इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये फॉल्स कह रहा है, हर कोर्ड डायमीटर नहीं है। चलिए अब जी ड्रॉ एनी सर्कल, कोई सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसके मार्क करने हैं आपको ए से एच तक दे रखे हैं। तो सर्कल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है आपके लिए, देखिए कैसे करना है इसमें। अब मार्क करना है सेंटर, तो सेंटर मार्क कर देते हैं बेटा, ये लीजिए सेंटर, ओ लिख दिया यहां पर पॉइंट, फिर कहता है रेडियस, कोई भी रेडियस मार्क कर देते हैं, ये लीजिए अभी ऐसे नहीं, हाँ लाइक दिस, ये है जी आपके पास रेडियस, इसको नाम दे देते हैं सपोज ओ ए, तो ओ ए रेडियस हो जाएगी। डायमीटर कहते हैं, देखिए डायमीटर कैसे करते हैं ड्रॉ, डायमीटर वो होता है बेटा तो सेंटर से पास होकर जाता है, तो देखिए सेंटर से पास होकर जा रहा है नहीं जा रहा, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू, पी क्यू डायमीटर हो गया। सेक्टर किसे कहेंगे, मैं आपको थोड़ा सा कलर करके बता देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड, ये जो ग्रीन कलर से नजर आए ना ये आपका सेक्टर है, इसके नेमिंग क्या लिखेंगे, POA, POA सेगमेंट। अब सेगमेंट देखिए, सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर नेम ही एक नेम और लिखना पड़ेगा आपको, जैसे एम ए एम क्यू क्या हो जाएगी आपके पास सेगमेंट, जो येलो शेडेड है ना ये सेगमेंट है बेटा, ये सेगमेंट जो ग्रीन वाला था ये क्या था, सेक्टर। अब पूछता पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, ये रहा ओ, ओ पॉइंट सेंटर में ही इंटीरियर में है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कुछ नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं नो प्रॉब्लम, एक पॉइंट
फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं हम वाई एन आर्क। आर्क क्या होती है बेटा? इस सर्कमफेरेंस का कोई भी आप एक हिस्सा, जैसे कि अभी दिखा देता हूं आपको, ये एक पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे इसकी नेमिंग मैं कर दूं यहां पर टी और यू, ये दो पॉइंट्स हैं यहां से लेकर यहां तक। इस डिस्टेंस को आप आर्क कह दे, कुछ भी हो सकती है डिस्टेंस टी यू, और आर्क का सिंबल होता है ऊपर ऐसे, ये वी नहीं है बेटा, ये टी यू है, ये आर्क का सिंबल होता है, तो ये आर्क हो गए टी यू। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।